नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते किच्छा में जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराए जाने के लिए सामाजिक संस्था आर्नी एजुकेशन सोसाइटी ने अपनी स्कूल वैन को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। इस बात को लेकर संस्थान अध्यक्ष एकता खड़का ने बताया कि संस्थान की इस पहल के बाद सितारगंज, खटीमा, रुद्रपुर, हल्द्वानी तक अनेक मरीजों को ले जाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्थान पहले की तरह इस साल भी गरीबों में कच्चा राशन वितरण करने के लिए भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। किच्छा से संवाददाता राज सक्सेना की ये रिपोर्ट। ठीक भाई, इस समय हम सबसे ज्यादा जो हमें दिक्कत हुई, जो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसका रीजन था ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, हम सब जानते हैं। तो जो बड़े बड़े पेड़ थे, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, जिनसे हमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जो हमें पूरे जीवन भर ऑक्सीजन देते हैं, तो वो पेड़ अब कट गए। हम विकास के चक्कर में इतना ज़्यादा पड़ गए कि वो विकास 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 और जो पीछे हमारा पर्यावरण था, जो हमारी एक धरती को हमने इतना नुकसान पहुंचाया, इतने सारे हमने पेड़ काटे। तो हमारी संस्था भी आगे काम करेगी कि हम सड़क के किनारे जहाँ जहाँ पर हमें ऐसा स्थान मिलता है जहाँ पर हम लगा सकते हैं पौधे, वहाँ पर हम पीपल के, नीम के पौधे लगाएंगे। और मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने घर को आप चाहे गमले में ही पौधे लगाएं, अपने घर को और अपने घर के आसपास के पूरे एरिए को ग्रीन रखें। पर्यावरण को अभी सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इतना प्रदूषित हो गया है उसको स्वच्छ और साफ करने के लिए पेड़ लगाना और पर्यावरण को हरा भरा रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो प्लीज़ अपने अपने घरों में चाहे गमले में ही सही पौधे लगाएं और अपने आसपास के एरिया में भी पौधे लगाएं और पौधे लगा के उनका ख्याल भी रखें। देखिए, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एम्बुलेंस के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। एक एक किलोमीटर की दूरी के लिए 3,500 रुपये एम्बुलेंस वाले मांग रहे हैं, जिससे कि लोगों को, आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। तो मेरे पास, मेरा क्योंकि मेरा स्कूल है JI3 स्कूल, तो मेरे पास मेरी स्कूल वैन थी। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना हम स्कूल वैन को एम्बुलेंस में डाइवर्ट कर दें। तो मैंने मेरी टीम मेम्बर हरिओम शर्मा और प्रेम से बात की, तो दोनों ने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया क्योंकि अकेले तो मैं नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने गाड़ी अपनी दे दी और वो प्रेम के पास पहुंच गई, ड्राइवर वगैरह सब कुछ प्रेम ने अरेंज किया। और अब हमारी उस गाड़ी से हम काफ़ी लोगों को, अभी तक लगभग 20 से 22 लोगों को हम रुद्रपुर, बहेड़ी और हल्द्वानी, ये 3 जगहों पर अस्पतालों में हमने छोड़ा है। और बहुत अच्छी एक बात यह है कि एक हमारा पेशेंट था जिसको हमने, जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको हमने महाराजा अग्रसेन में एडमिट करवाया। प्रेम के उससे एफर्ट से उसको वहाँ पर बेड मिला और 3 दिन या 4 दिन के बाद में वो मरीज सही हो गई, जिसको हम अस्पताल छोड़ के आए थे। वापस फिर उसको अस्पताल से सही सलामत हमने घर छोड़ा। तो ये है कि हम छोटे छोटे, देखिए सुपरमैन कोई नहीं बन सकता, छोटे छोटे स्तर पर हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करके, मानसिक संबल दे के, एक दूसरे को के साथ खड़े होके सपोर्ट और सहयोग कर सकते हैं, जिसकी इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इस समय, ये समय ऐसा है कि आपके सिर्फ कर्म काम आएंगे, आपका रुपया, पैसा, दौलत, नाम, शोहरत कुछ भी काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म हैं जो ईश्वर देख रहे हैं। क्योंकि अब तो जोर पूरी ईश्वर के हाथ में है, अब तो वही खींच रहा है, वही छोड़ रहा है। तो जो आपके कर्म है वही आपके काम आएंगे। इसलिए मैं चाहूँगी कि सभी लोग, जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं वो भी इसे सबक लें, और जो लोग इधर उधर नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो सब ना करके पॉजिटिव वाइब्स दे समाज को, और अपने स्तर पे जो भी सहयोग कर सकते हैं वो अवश्य करें। मेरे अपने जो भी मित्र थे, हम बैठे हुए थे, अचानक से ऐसी मुझे भी पता चला, वो भी अपनी सेवाएं देने जा रहे थे, तो मुझे पता चला कि हाँ यार, कि वहाँ पे कुछ 10-12 परिवार जो है आग से ग्रस्त हो गए हैं, जिनके पास कोई सामान नहीं बचा राशन के लिए, तो वो राशन आज हमने उपलब्ध कराया उन्हें अपने साथ, वो भी उन्होंने अपना सहयोग दिया, कुछ जो मेरा सहयोग था मैं उन्हें आज जो आके दिया। देखिए, जैसे मैडम ने बताया कि हमने जैसे पिछले साल कोरोना काल में भी काफ़ी सेवाएं की हैं, साथ साथ जैसे अभी लॉकडाउन लगा उसके बाद कई चीज़ें हमारे आगे आई कि एम्बुलेंस का सबसे ज़्यादा
जो लोग कालाबाजारी कर रहे थे, एम्बुलेंस गलियों पर नहीं मिल पा रही थी, जो समय से नहीं जा पा रहे थे हॉस्पिटल, जिनको ऑक्सीजन की दिक्कत थी, जहाँ तक हम संभव कर पाए तो थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन जुटा पाए हम वो भी हमने प्रयास पूरे करे, और बाकी कई लोगों को हमने हॉस्पिटल तक पहुँचाया जो जल्दी पहुँचने वाले थे, एमरजेंसी जो कोविड वाले पेशेंट थे। बाकी यही हमारी एक पहल है कि आगे भी अगर समय समय पर कोई अगर ऊपर वाला ना करे कि ऐसी स्थिति पड़े, हम दिन रात अपनी मेहनत और अपने हर चीज़ से हम सबके साथ में हैं। बाकी एक ऐसी भी स्टार्ट करेंगे जिससे ऑक्सीजन, जो आज के समय में ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रही है, कई पेड़ पौधे इस समय बहुत ही कम हो गए हैं, जितने हाईवे बने, जितने रोड बन रहे हैं, थोड़े पेड़ पौधों को काटे गए हैं, बड़े बड़े जो हमें ऑक्सीजन देते थे, आज वो पेड़ पौधे अगर कभी किसी भी रोड पर जाओगे तो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आने वाले समय में हम यही सोचेंगे कि यार कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और पेड़ों को आगे तक जो हमें ऑक्सीजन देते हैं हमारी ज़िंदगी भर तक, तो हम इस मोमेंट में प्रयास करेंगे कि हम उसको लाएं अपने फ्यूचर में।